आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसके लिए हमने यहाँ पे 6 गाजर ले लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम इसे आगे पीछे का हिस्सा काट देंगे, काट के हटा लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे इस तरह करके। इसी तरह करके हम सभी को काट लेंगे। हमने सभी गाजर को टुकड़ों में काट लिए हैं। अब हम इसको एक मिक्सी जार लेंगे और इन सभी को डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने ग्राइंड कर लिए हैं। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सभी को कर लेंगे। देखिए हमने सभी को ग्राइंड कर लिए हैं। अब चलिए बनाना शुरू कर। हमने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 लीटर दूध डाल देंगे और इसे गर्म कर लेंगे। दूध गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे, जिसे हमने ग्राइंड कर लिए थे। सभी गाजर को हमने डाल दिए। अब चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। 2 कप चीनी हमने लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने चीनी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए सुखा लिए हैं। अब ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।